जाइएगा नहीं दोस्तों, एक मिनट, सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है और यज्ञ का आप इस ब्लॉक के माध्यम से दर्शन कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। आइए, मैं इस ब्लॉक के माध्यम से आपका मैं सभी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में जो जो हुआ उसको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए भक्तजनों, हम चलते हैं डाल्टनगंज की ओर, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण यज्ञ आयोजन किया गया है। सभी श्रद्धालु भक्तजनों का आदरणीय स्वागतम, वंदन, अभिनंदन है यज्ञ समिति के द्वारा। ये देखिए, हम मेन गेट से भीतर की ओर आ गए हैं यज्ञ स्थल में जाने के लिए। यज्ञ स्थल की ओर हम चल रहे हैं। ये यज्ञ स्थल का दूसरा गेट है। ये हम दूसरा गेट को पार करके भीतर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, सामने तीसरा गेट बनाया हुआ है। ये जो सामने पीला रंग का जो बैलून है, ये दूर से श्रद्धालु भक्तजनों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे यज्ञ हो रही है। और जो हमारे जो चेहरा है उसके पीछे जो दिख रहा है, यज्ञ स्थल बना हुआ है। यहीं पे सभी श्रद्धालु भक्तजन लोग परिक्रमा बाहर से कर रहे हैं, कुछ भीतर से भी परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत सुंदर यज्ञ स्थल है। अगर जो श्रद्धालु भक्तजन लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं इस यज्ञ में, ये ब्लॉग देखकर ही संतुष्टि करें और लाइक करें, आपकी मनोकामनाएं सभी सिद्ध होगी। यह यज्ञ स्थल के हम समीप पहुंच गए हैं। यहाँ पे सभी माताएं, बहनें, भाई बंधुएं, छोटे बुजुर्गों और छोटे बच्चों, सभी लोग यज्ञ स्थल का परिक्रमा कर रहे हैं। सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए यह परिक्रमा करते हैं। आपकी भी मनोकामनाएं सिद्ध हो यह ब्लॉक के द्वारा। बहुत ही सुंदर और लुभावना, मनमोहक यज्ञ स्थल बना हुआ है। करीब यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन लोग रोज आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे परिक्रमा किया जा रहा, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर यज्ञ स्थल बना हुआ है। और जो यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन लोग आए हैं परिक्रमा करके थक जाते हैं, तो यहाँ पर भंडारा और थोड़ा सा रुकने, आराम करने के लिए भी स्थान बना हुआ है। यज्ञ स्थल में जो हवन कुंड में जो मंत्र बोला जा रहा है उसी का मैं थोड़ा सा रुक कर रहा हूँ। चलते हैं अब हम यहाँ पे, जहाँ पे प्रवचन हो रहा है, यह बना हुआ है प्रेम मंदिर का मेन गेट। इतना सुंदर है प्रेम मंदिर का गेट। यहाँ पर राधा कृष्ण की ही प्रेम मंदिर के बारे में ही यहाँ पे प्रवचन किया जा रहा है। और प्रवचनकर्ता जो आए हुए हैं वो बहुत ही विख्यात प्रवचनकर्ता है। देवकी नंदन ठाकुर जी का आगमन हमारे डाल्टनगंज पलामू जिला में हुआ है। लोग लाखों की संख्या में, सभी श्रद्धालु भक्तजन लोग रोज प्रतिदिन यहाँ पे प्रवचन सुनने आते हैं। ये जो काला रंग का दिख रहा है, वहीं पे देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। करीबन 3 बज चुका है। ये जो सामने आपको दिख रहा है चलते हुए, ये ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी हैं। बोलो ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी की जय। सभी लोग बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं और करीबन ये प्रवचन रात्रि 8 बजे तक चलता है। देवकी नंदन महाराज जी बैठे हुए हैं, उनका कुछ ही क्षण पश्चात आरती होगी। देवकी नंदन महाराज जी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे अभी पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर प्रवचन महाराज जी शुरू करेंगे। राष्ट्रीय प्रदेश से आयोजित ये देखिए यहाँ पे आरती हो गई है।
हो चुकी है। अब नीरज दुबे प्रवचन शुरू करेंगे। मंच के नीचे खड़ा हो जाए यहाँ पर सभी भक्तजन लोग। ऐसा प्रवचन करते हैं कि सभी भक्तजन लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप लोग अगर यज्ञ में नहीं आ पाए हैं तो किसी को दर्शन करके हम यज्ञ में पहुँच गए हैं। इस यज्ञ है रोज लाखों की भीड़ हो रही है। सभी श्रद्धालु भक्तजन लोग दूर दूर से आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और अपना लाभ ले रहे हैं। ये जो आप सामने जो दिख रहा है ये वृंदावन से आया हुआ है यहाँ पर। ये प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर मतलब होता है कि भक्त का भगवान से प्रेम, सुदामा का कृष्ण से प्रेम, राधा का कृष्ण से प्रेम। प्रेम मंदिर मतलब कि भक्ति रूपी जितने भी हैं सभी को यहाँ पे इस मंदिर में रस को डाला जाता है। ये जो झांकियाँ दिख रही है पूरे ग्वावल की झांकियाँ हैं और वृंदावन से ही एक झांकी बनाने वाला आया था जो खुद बनाया है। यहाँ पर कृष्ण राधा की झांकियाँ, गाय की झांकियाँ, गोपियों की झांकियाँ, सभी झांकियाँ बहुत ही सुंदर मन को मोह ले रही है। बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था जेपी नंदन महाराज जी का। आपको भीड़ देखकर अनुमान हो गया होगा कि कितने श्रद्धालु भक्तजन लोग यहाँ पे आते हैं प्रवचन सुनने और यज्ञ स्थल में परिक्रमा करने। राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलो, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। राधे राधे बोलो, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। तो दोस्तों, सभी श्रद्धालु भक्तजनों, आप लोगों को यह कैसा महालक्ष्मी नारायण यज्ञ लगा और आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी, आपने दर्शन किया। कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं अगले ब्लॉक में मिलूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। बोलो, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। राधे राधे।